दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, सबसे बड़ा झूठ क्या है आज मैं आपको बताता हूं, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये चार शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को, जो कभी आग का गोला थी आज जन्नत की तस्वीर है। ये चार शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में दौड़ती उस एटमी ताकत को, जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा, अगर ये चार शब्द सच हैं, तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले मेरे इस देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 75 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट्स बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। वो जिसके बेटे बेटियों को तुमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज वही तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। हम हिंदुस्तानियों का दिल एक परिंदा है, जब भी पंख खोलेगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, यानी दाएं हाथ से कर्म करो, जीत विजय तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। तो ये जो मुट्ठी भर सांसें हमें मिली हैं, हमें इनका करना क्या है? इनको बेच के हमें खरीदना क्या है? इनको दे के हमें लेना क्या है? कभी सोचा है हमने? उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं, ना तो दर्शन है विज्ञान ज्ञान बल नहीं, ना तो चिंतन है जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। टू लिव इज द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज सब कुछ है तो कुछ नहीं है। शायद यही जिंदगी का खेल है, यही डाइकॉटमी है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है, तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। तो बस इतनी सी बात है कि हमें ये तो याद रहना चाहिए कि आखिर में इन द एंड वी ऑल आर गोइंग टू बी स्टोरीज, जस्ट स्टोरीज, नथिंग एल्स। आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। ना मेरी आवाज हमेशा गूंजेगी, ना सुनने के लिए हमेशा तुम होगे, तिनका तिनका पड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं, और कहीं पर रेशा रेशा तुम होगे, जैसे सूखे फूल दबे हों पन्नों में, गए दिनों की एक निशानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। हमारी माँ के लिए अगर दुनिया में सबसे सुंदर कोई चेहरा है, दुनिया में सबसे सुंदर कोई व्यक्तित्व है, दुनिया में सबसे सुंदर कोई दृश्य है, तो हमारा चेहरा है। हमसे सुंदर उसे कुछ नहीं लगता, लेकिन उसी माँ के लिए हम तारीफ के दो शब्द नहीं ढूंढ पाते। जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था, मां जंच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या समझते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, और तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज और अभी बताओ। और सोचिएगा ये चीज, सबसे ज्यादा फोन अगर हम किसी का इग्नोर करते हैं तो वो माँ का फोन होता है। हाँ माँ बिजी हूं, अरे मैं कॉल करूंगा ना, खा लिया माँ, बच्चा थोड़ी हूं। सबसे ज्यादा माँ का फोन इग्नोर करते हैं। सोचो क्या करोगे उस दिन जिस दिन वो फोन आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक दिन तो होगा ना साथियों, जिस दिन अपनी फोन बुक से आखिरी बार माँ का नंबर मिटाओगे, छाती फट जाएगी, कलेजा फट जाएगा वो नंबर डिलीट करते हुए, क्योंकि तुम जान चुके होगे अब ये नंबर कभी नहीं आएगा, अब ये फोन कभी नहीं बजेगा। क्या करोगे उस दिन?
जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारा बूढ़ा बाप हमारी ताकत है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुसीबत, किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बहुत कुछ आप भूल जाएंगे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सब कुछ भूल जाएं, बस इतना याद रखिएगा कि माँ से महान और पिता से पवित्र इस धरती में, इस ब्रह्मांड में आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। तो जब भी पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं आएगा, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। जननी जन्म भूमिश स्वर्गा दपि गरी असी, माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। और हमारे भारतवर्ष की माएं तो ऐसे ऐसे बेटे पैदा करती हैं जो माँ भारती के चरणों में प्राण देने से पहले दो बार नहीं सोचते। हमारी माएं अग्नि पुत्र पैदा करती हैं, अग्नि दूध पैदा करती हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। यही हमारे जाबाज, यही हमारे बलिदानी, मैं सोचता हूं कि अगर इनको कभी एक मौका दिया जाए कि जब तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, जब तुम्हें दुनिया छोड़ के जा रहे हो, एक आखिरी चिट्ठी लिखनी है तुम्हें, लास्ट लेटर लिख सकते हो, तो वो लास्ट लेटर क्या होगा? बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। मैं आशा करता हूं कि जितना भी समय आपका मेरे साथ बीता वो समय सार्थक हुआ, आपने बड़े धैर्य से सुना, वर्धा वालों बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत 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 आभार। फिर मिलेंगे।